दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष की घोषणा बृहस्पतिवार या शुक्रवार को कर दी जाएगी। इस वक्त दिल्ली कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। तमाम बड़े नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। इस स्थिति को पार्टी आला कमान 1998 के उस दौर से तुलना करते हुए देख रही है, जब गुटबाजी की इसी स्थिति को संभालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बाहर से लाकर दिल्ली की कमान सौंप दी गई थी। आला कमान का मानना है कि समय भी गुटबाजी को थामने का यही एक जरिया है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि 20 जुलाई को शीला दीक्षित के निधन के बाद से नए अध्यक्ष के नाम पर कई बैठक हो चुकी है। तमाम नामों पर विचार विमर्श भी किया जा चुका है। बता दें कि कुछ नामों पर सोनिया असहमत थी। मंगलवार को दशहरे पर भी सोनिया, AICC और महासचिव KC वेणुगोपाल के बीच लंबी चर्चा हुई। बुधवार को भी मंत्रणा का दौर जारी रहा। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।